लोग सवाल करने लगे हैं कि आज अमेरिका से यूरोप तक जब सारे देश भारत से अच्छे रिश्ते रखने चाहते हैं, भारत के बड़े ताकत को देखते हुए प्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि एक आतंकी के मौत के मुद्दा बनाकर भारत से ट्रेड एग्रीमेंट अपना रोक देते हैं और भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इसी चर्चा पर हम लोग विशेष बात करते हैं। तारीख थी 18 जून, साल था 2023 और जगह थी कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। वक्त था शाम के 8 बजे। खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने का इंतजार कर रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उसे भून डाला और इसी के साथ कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़े चेहरे का अंत हो जाता है। मैं बता दूं, ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा हुआ है। ये वही हरदीप सिंह है जिस पर भारत में दर्जनों मामले दर्ज हैं। ये वही हरदीप सिंह है जिसके भारत में पेशी के लिए भारत सरकार ने कनाडा गवर्नमेंट से गुहार लगा। ये वही हरदीप सिंह था जो हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगला करता था और जब कनाडा सरकार से मदद नहीं मिली, उसकी हरकतों पर लगाम नहीं लगी, तो एक दिन खबर आया कि वह मारा गया। उसे किसने मारा, क्यों मारा, अभी तक इस बात की कोई सुराग नहीं है, मगर खालिस्तानी सपोर्टर्स और कनाडा के प्रधानमंत्री को लगता है कि उसे भारत सरकार ने मरवाया है और इसी लगने के दम पर उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को भारत दूतावास से निकाल दिया। हम भी किसी से कम नहीं और ना ही हम किसी का उधार रखते हैं। सुबह होते ही हमने भी कनाडा दूतावास के एक सीनियर अधिकारी को दफ्तर बुलाया और सिर्फ 4 मिनट में उसे कहा टाटा बाय बाय और निकाल दिया। इससे पहले हम हरदीप सिंह निज्जर के मामले में आए, बड़े संक्षेप में आपको खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में बता देते हैं। आपको 3 दशक पीछे लिए चलते हैं। ये बात है 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट जब जोर पकड़ रही थी, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ जिसमें दर्जनों खालिस्तानी सपोर्टर्स मारे जाते हैं। इसके बदले के तौर पर इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स के तरफ से उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पंजाब में मिलिटेंसी का दौर शुरू हो जाता है। केपीएस गिल जैसे बहादुर ऑफिसर चुन चुन कर आतंकियों का सफाया करते हैं। ये वही वक्त था जब बहुत सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स अपने देश छोड़कर जैसे तैसे दूसरों देशों में सहारा लेने लगे। आज आप कनाडा से लेकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खालिस्तानी सपोर्टर्स देखते हैं। ये वही लोग हैं जो 40 साल पहले इन देशों में आकर बसे। बाद में इन लोगों ने अपनी यही जहरीली सोच आगे आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर कर दी और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के मदद से ये लोग अपने पर फैला लिए। उन्हीं में से एक था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर जो खुद कनाडा में इतने सालों से फ्रॉड करके रह रहा है, जिसके फ्रॉड को वहाँ की अदालतें तक कबूल कर चुकी हैं, आज उसी हरदीप सिंह के मौत पर जस्टिन ट्रूडो ऐसे रो रहा है जैसे उसके खुद के बेटे की मौत हो गई हो। कनाडा के ग्लोबल न्यूज के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर का पासपोर्ट फर्जी बताया गया। वो रवि शर्मा के नाम पर कनाडा आया, फिर जांच में पकड़े जाने के बाद वो कनाडा के सिटीजन पाने के लिए कनाडा में रहने वाली भारतीय महिला से शादी कर ली और जिस महिला से उसने शादी की थी वो महिला खुद अपने पति के साथ कुछ दिन पहले ही कनाडा आई थी। अब सवाल है कि जो आदमी खुद एक टेररिस्ट है, आज ट्रूडो उसके लिए भारत जैसे पावरफुल देश से पंगा क्यों ले। हरदीप धीरे धीरे कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से अपना एक ग्रुप बना लिया। अगर आपको हरदीप मासूम लगता है तो मैं बता दूं कि हरदीप पर इल्जाम है कि 2007 में लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट करके 6 लोगों की जान ली। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2018 में NIA ने कहा कि पंजाब में कई संघ नेताओं की हत्या के पीछे इसका हाथ हो सकता है और यही वजह है कि इंडियन सरकार इस पर 10 लाख की इनाम रखी। अब सवाल है, जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी से इतनी मोहब्बत क्यों करते। ऐसा नहीं है कि भारत से भिड़ने पर हम लोग ही जस्टिन को गाली दे रहे हैं। खुद कनाडा के बहुत सारे लोग ट्रूडो की इन हरकतों के लिए उनकी तारीफ में गालियों की पुल बांध रही। तो आपको बता दे, ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता में नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए NDP यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है और इस NDP पार्टी के लीडर है जगमीत सिंह और जगमीत सिंह खालिस्तानियों के सबसे बड़े चीयर लीडर। इनके बयानों के कारण ही भारत सरकार इंडिया में इनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर रखा है। उन्हें भारत आने की इजाजत नहीं दी गई। कनाडा में 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय लोग हैं। अब ऐसे में ट्रूडो की मजबूरी है कि वो इन
इन खालिस्तानियों को कुछ भी करने की छूट दे दे और यही वजह है कि ये लोग हर दूसरे दिन भारत के विरोध में रैली निकालते हैं और कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास के डिप्लोमेट्स को जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं और ट्रूडो एक करप्ट नेता की तरह चुपचाप ये सब होने देता है। ये तो अब साफ है कि ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया, इसलिए भाई ट्रूडो तू तो गया। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स खाली है, भर भर कर अपने कमेंट दीजिए। थैंक यू।